तो Xiaomi का Redmi Note 11 आज हमारे पास स्टूडियो में आ चुका हुआ है, लेकिन हमें अभी तक पकड़ा नहीं उसकी रीजन क्या है। हमारा बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ है क्योंकि कंपनी ने हमें बड़ा बॉक्स भिजवाया नहीं, जिसके अंदर बहुत ही प्यारी हुडी थी, उसके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के कार्ड थे, क्योंकि इनका नया चैलेंजर राइज टू द चैलेंज। तो वो चैलेंजेस हम कर नहीं पाए और बहुत ही प्यारी इनकी हुडी भी हम पहन नहीं पाए, लेकिन कोई मसला नहीं, अनबॉक्सिंग तो हमने करनी ही है, लेकिन आने वाले टाइम में Xiaomi हमें जरूर बड़ा बॉक्स भिजवाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, उमर से अपना बॉक्स मांगते जो काफी देर से पकड़ के खड़े हुए, आई थिंक वो थक गए होंगे, तो मैं हमारी तरफ फेंकिएगा जरा, ये कैश हमने कर लिया, तो आपको साथ ही दिखा दूं कि Redmi Note 11। हाँ जी, तो Redmi Note 11 की अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, से आपको पता है कि छुरी या कोई चीज होती है जो कि हमारे पास अभी तक आई नहीं है। तो मैं कहूंगा उमर या तो आप छुरी लेके आ जाए या नवीद भाई आप हमें छुरी दे दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट के बगैर इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बजट थोड़ा बढ़ गया है, छुरी नहीं अब हम कटर से अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको जरा बॉक्स दिखा दूं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ और कैसा हमारे पास बॉक्स आ जाता है। तो बॉक्स के फ्रंट पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें फ्रंट और बैक की जो है फोन की पिक्चर नजर आ जाती है, यहाँ पे हमें लोगो नजर आ जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है Redmi Note 11, साइड पे हमें लिखा जाता है Redmi Note 11 विद इजी एक्सेस टू द गूगल एप्स यू यूज मोस्ट। तो गूगल एप्स की हमें बहुत इजी एक्सेस मिलने वाली इससे देख के पता चलता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो लेफ्ट पे भी सेम वही चीज लिखी हुई नजर आ जाती है जो राइट पे लिखी हुई है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो डिफरेंट हमें इसकी छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन नजर आती है। कलर यहाँ पे हमें नजर आता है ग्रेफाइट ग्रे कलर है, 6GB रैम 128GB रोम के साथ हमारे पास ये वेरिएंट आ जाता है। तो आई थिंक टाइम वेस्ट के बगैर हम जल्दी से इसका पेपर रैप खोलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार यहाँ पे मैं नोट क्या कर रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कटर की तो जरूरत नहीं है, हम इसको वैसे भी आई थिंक फाड़ सकते हैं, बहुत इजी इन्होंने दिया है, क्योंकि कई ज़रा मोबाइल फोन के अंदर जो होता है वो इतना इजी नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे हमने पेपर कटर के बगैर ही उतार दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कवर रैप इसका उतारने के बाद हमें वारंटी कार्ड नजर आ जाता है, इसकी डिटेल्स भी आपको हम बताते चलेंगे। अब आई थिंक हम चलते हैं फोन का डब्बा खोलने की तरफ। ये जी, तो हमारे पास यहाँ पे डब्बा खुल गया है, यहाँ पे बड़ा मजेदार किस्म का हमें नजर आता है पावर्ड बाय Redmi। इसके अंदर हम देखते हैं हमें क्या मिल जाता है। आई थिंक इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी हम इजीली इस बॉक्स को खोल सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ क्विक स्टार्ट गाइड नजर आ जाती है, पेपर वर्क नजर आ जाता है, यहाँ पे हमें सेफ्टी इंफॉर्मेशन का एक कुछ पेपर वर्क नजर आ जाता है, उसके बाद हमें वारंटी कार्ड जो है वो अंदर भी मिल जाता है। साथ ही साथ जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक सिम इजेक्टर नजर आ जाता है, और यहाँ पे हमें एक सिलिकॉन पाउच मिल जाता है। जब इसको हम यार इसका जो कवर है बड़ा मजे का सिलिकॉन पाउच का, ये मतलब अच्छी क्वालिटी का लगाया इन्होंने। उसके बाद जब हम यहाँ पे इसको खोलते हैं तो हमें पाउच नजर आ जाता है, साइड्स हमें नजर आती है, यहाँ पे लिखा हुआ जी डिजाइंड बाय Redmi, उसका अच्छी क्वालिटी का पाउच हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखनी जो यहाँ पे हमें नजर आ जाती है वो इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले हमें स्पेसिफिकेशन नजर आ जाती है जी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 6 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर नजर आ जाता है। उसके बाद हमें एमोलेड 90Hz की जो है वो स्क्रीन मिल जाती है, एमोलेड डॉट डिस्प्ले मिल जाता है, और फुल HD रेजोल्यूशन मिल जाती है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर जो हमें 90Hz जो है दे रहे हैं वो आई थिंक ये वाहिद यही फोन है, या कुछ और फोन्स में जो है इस प्राइस रेंज के अंदर हमें 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है। इसकी मैं प्राइस जो पहले बताना भूल गया हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर 34,999 तकरीबन 35,000 का में फोन मिल जाता है। उसके बाद जब मैं आगे देखता हूँ तो मुझे नजर आता है 33V का प्रो फास्ट चार्जिंग जो है वो अडैप्टर में मिल जाता है। उसके बाद हमें बैटरी का बताते हैं, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और कैमरा के बारे में बताते हैं जी 50MP का AI क्वाड कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो लेंसेज हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम रखते हैं अपने फोन को साइड पे और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और क्या-क्या चीजें जो है वो हमें नजर आ जाती हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले जो अपना चार्जर को यहां पे निकाल लेते हैं और देख लेते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, और इसको हम अनरैप कर लेते हैं अपने चार्जर को भी। तो यहाँ पे हमें 33V का जो है वो हमें चार्जर अडैप्टर यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो हमें एक टाइप सी जो है वो वायर नजर आ जाती है। अब आगे देखते हैं, हमें डब्बा बिल्कुल खाली है और कुछ भी नहीं है। अब हम आई थिंक अपने फ़ोन की तरफ चलते हैं और फ़ोन का जो है जल्दी से जल्दी इसका रैप उतार के इसकी आउटर लुक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जब हम रैप उतार लेते हैं
तो यार जैसे ही मैं फोन को पकड़ता हूँ तो मुझे बड़ी प्रीमियम सी फील आ जाती है यहाँ पे, और इसका कलर जो है ग्रे फाइट ग्रे कलर है, बहुत ही प्रीमियम हमें लुक दे रहा है यहाँ पे। और कैमरा सेटअप हमें नजर आता है, चार कैमरों का जो है भाई कैमरा सेटअप नजर आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे रेडमी लिखा नजर आ रहा है, बड़ा ही स्लीक सा बड़ा प्यारा सा डिजाइन है। और इसका वेट की बात करूँ तो यार बहुत ही लाइट वेट है, 179 ग्राम इसका मुझे वेट मिल जाता है, और डिजाइन बहुत ही स्लिम नजर आ जाता है यहाँ पे। तो जब मैं इसको ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पे पंच होल कैमरा डिजाइन नजर आ जाता है, जो कि सेल्फी कैमरा और ये 13 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है यहाँ पे। बाकी अगर साइड पे जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट माउंटेड साइड पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है इस साइड पे सिम ट्रे नजर आ जाती है, सिम ट्रे खोल कर दिखाता हूँ, यहाँ पे फुल फ्लैश जो है वो सिम ट्रे नजर आ जाता है। उसके बाद आई थिंक अपने फोन को हम ऑन करते हैं और सेटअप करके एक सेकंड आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें 3.5 mm का जो है वो ऑडियो जैक भी नजर आ जाता है। तो हम जल्दी से अपना फोन ऑन कर लेते हैं और सेटअप करके आपको फौरन से पहले मिलते हैं। तो गाइस सेटअप करके हम वापस आ चुके हैं, कुछ टेस्टिंग अपने तौर पे मैंने कर ली है, कैमरा के लिहाज से कुछ टेस्टिंग कर चुके हैं और कुछ इसके प्रोसेसर के लिहाज से हम थोड़ी बहुत गेमिंग भी खेल के देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ डिस्प्ले के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लूँ। 6.43 इंचेस का हमें डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है। इसकी आउटलुक की थोड़ी सी बात दोबारा करते चलूँ कि यार अच्छी आउटलुक मुझे अच्छी लग रही है इसकी, प्रीमियम थोड़ा सा फील दे रही है, प्लास्टिक की है इसकी लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादा जो है वो चीप नहीं लग रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है और 700 इसकी मिनिमम, 1000 एमएनिट्स की ब्राइटनेस जो है वो मैक्सिमम मिल जाती है। प्रोटेक्शन के बारे से बात करूं तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 जो है वो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोटेक्टर के बगैर भी यूज करेंगे तो इस पे ज्यादा स्क्रैचेस आने वाले नहीं है। और रेजोल्यूशन जो है वो हमें मिल जाती है 1080x2400 pixel की। तो स्पीकर्स के बारे में बात करते चलो तो यहाँ पे हमें एक डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊपर भी हमें स्पीकर्स मिल जाते हैं और नीचे भी हमें स्पीकर्स जो है वो नजर आ जाते हैं कि आवाज़ जो है वो इसकी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। कुछ डिज़ाइन के बारे से बात करूँ तो पहले से हमने काफ़ी जो है वो स्लिम कर दिया है। कैमरा के बारे में अगर हम बात करते चलो तो हमने ऑलरेडी कुछ टेस्टिंग कर ली अपनी टीम के साथ मिलके, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। तो कैमरा जब मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो मुझे सबसे पहले फोटो मोड नज़र आ जाता है, जिसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि 10 ऑप्टिकल जूम तक जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है जूम। यार कैमरा मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी टीम ने भी यही बात की है कि कैमरा भाई जी इतना अच्छा इसका नहीं है इंडोर, जो अब इंडोर की अगर मैं बात करूं तो। उसके साथ साथ अगर मैं वीडियो की यहाँ पे बात करता चलूं तो हमें 30 फ्रेम पर सेकंड पे जो वो वीडियो ये प्रोवाइड करता है, अगर मैं अपने हाथ की यहाँ पे वीडियो बनाता चलूं तो ये है कि कलर थोड़े से वो चेंज कर रहा है, लेकिन ये है कि वीडियो हमें नॉर्मली प्रोवाइड कर देता है। कैमरा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका हमें मेन कैमरा 50 megapixel का मिल जाता है, साथ हमें जो एक और कैमरा मिलता है 8 megapixel का जो हमें अल्ट्रा वाइड एंगल प्रोवाइड कर देता है। बाकी दो सेंसर हमें मिल जाते हैं 2 megapixel के, जो हमें एक डेप्थ प्रोवाइड कर देता है और एक मैक्रो मोड हमें प्रोवाइड करता है। साथ साथ अगर मैं डीप और बात करूँ कैमरा के वाले से तो यहाँ पे हमें प्रो मोड भी जो है वो मिल जाता है, जिसमें हम इसको 50 megapixel अल्ट्रा HD ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी इसको रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम और हमें सेटिंग्स जो है वो मिल जाती हैं, ऑटो फुल ऑटो ISO भी हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम चेक कर चुके हैं इस कैमरा के अंदर हमें नाइट मोड भी मिल जाता है, जो कि हमें मेन कैमरा में मिलता है, बाकी कैमरा में नाइट मोड जो है वो हमें नहीं मिलता। एक और चीज़ जो मैं सेटिंग्स के अंदर जाके मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो ये है कि हमें इसका क्या रिफ्रेशिंग रेट जो है 90 Hz है उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हम जब सेटिंग्स में जाएंगे तो हम डिस्प्ले में जाके इसको देख लेते हैं कि इस टाइम आपका जो है रिफ्रेशिंग रेट क्या चल रहा है। वो यहाँ पे हमें देखें रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है 60 Hz, जो अभी हमें ऑन करते सारी मिल रहा है। हम इसको हाई पे भी कर सकते हैं सेट, उसके बाद हम देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। और इसके साथ साथ जिस तरह इसकी प्रोसेसर के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि स्नैपड्रैगन 686 nanometer का प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है, जिसका मतलब एफिशिएंट प्रोसेसर है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि अगर डे टू डे यूज़ के लिए लेना है तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन है। इस प्राइस रेंज में 90 Hz की रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है और भी काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि गेमिंग के हवाले से इस फ़ोन को लेना चाहें तो आई डोंट थिंक ये बेस्ट होगा आपके लिए, और कैमरा भी इसका बहुत बेहतर नहीं है। हमने टेस्टिंग की इसकी इंडोर के हवाले से हमें तो वीक लगा, लेकिन आउटडोर में हमने कुछ तस्वीरें इसकी खींची हैं तो वो हमें बेहतर लगी हैं कि कलर्स वो अच्छे हमें प्रोवाइड कर देता है। बाकी आउटडोर लुक इसकी बेहतरीन है और वन हैंडेड यूजर के लिए बेहतरीन है। तो आप भी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। उसके अलावा हम एंड करते हैं वीडियो को, और अगर हमारी वीडियो को पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना और घंटी के आइकन को लाजमी दबाना, क्योंकि ऐसी हर आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसको दबाना। अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।